बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आप लोग के साथ अपना ब्लॉग सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग को टाइटल से देख के तो समझ ही आ गया होगा कि आज मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। तो यस गाइज, अब मैं आप लोग से मिलती हूँ फ्रेशन अप होने के बाद। सो गाइज, ये है वार्म वाटर जो मैं सुबह सुबह पीती हूँ। ये मॉर्निंग ड्रिंक होती है मेरी। आप इसमें चाहे लेमन या आप एप्पल साइडर विनेगर या कुछ भी हनी ऐड कर सकती हो, बट मैं प्लेन पीती हूँ, मेरे को प्लेन ही अच्छा लगता है। आपको जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट्स आप वो ले सकते हो, बट अभी मैं यही ले रही हूँ। सो आप देख रहे हो, ये रात को मैंने बादाम भिगो दिए थे, तो भीगे हुए बादाम मम्मा कहती है वो सुबह खाओ अगर खाली पे तो वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं। सो दैट्स वाई मैंने 5 बादाम्स मैं रात में अपने लिए ज़रूर भिगो देती हूँ एंड सम क्रैनबेरीज। सो गाइस, इसको खाने के बाद मैं आप लोग से डायरेक्ट मिलती हूँ अपने ब्रेकफास्ट के टाइम पर। और मैं आप लोग को ये बताऊँगी कि मैं ब्रेकफास्ट में मोस्टली आइटम्स जो मैं खाती हूँ वो क्या खाती हूँ और कौन कौन से हेल्दी चीज़ें होती हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए। सो गाइस, अभी मॉर्निंग के 8 o'clock हो गए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर माई ब्रेकफास्ट और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ ओट्स। एंड यू नो व्हाट, ओट्स इट्स वेरी हेल्दी। फेस Let's start. So guys, आप लोग देख रहे हो मैंने ऑयल बहुत ही थोड़ा सा डाला है ओट्स बनाने के लिए। मैं वेजिटेबल ओट्स बना रही हूँ। मेरे पास अनियन एंड हरी मिर्च, मैं ग्रीन चिली मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें बहुत से वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, और अगर आपको रेसिपीज़ वगैरह जाननी होगी तो आप मुझे बाद में बता दीजिएगा कॉमेंट्स करके। सो गाइस, माई ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, यू कैन सी। ये मेरी चाय, आप देख रहे हो चाय। सो यस गाइस, ये 1 कप चाय है और ये ओट्स है। सो यस गाइस, आपको लग रहा होगा कि चाय कैसे हेल्दी हुई, बट मैंने आपको लास्ट वॉक में भी बताया था और ये इन्फॉर्मेशन पास आउट की थी कि आप वाइट शक्कर मत यूज़ करिए। तो मैं जैगरी पाउडर यूज़ करती हूँ। मार्केट में बहुत से ब्रांड्स के जैगरी पाउडर आते हैं, आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। यस गाइस, तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैं मैक्सिमम टाइम इसी टाइप के ब्रेकफास्ट मील्स लेती हूँ जो हेल्दी होते हैं, लाइक ब्रेड ऑमलेट, ओट्स हो गया, पोहा हो गया, 2 boiled eggs हो गए, और भी गाइस बहुत सी वैरायटीज़ है। मिल्क होता है, अगर आपको मिल्क पसंद है कॉर्नफ्लेक्स डाल के तो आप वो ले सकते हो मॉर्निंग में। बट मेरे को मॉर्निंग में खाने पेट मिल्क सूट नहीं करता, इसलिए मैं मिल्क नहीं लेती हूँ। बट येस अगर सो येस गाइस, अब मैं अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ।
गाइस मैं आपको ये भी बता दूँ, पराठा लवर आप लोग सोच रहे होंगे हमें तो पराठा बहुत पसंद है, मैं तो पंजाबी हूँ, यस गाइस मुझे पराठा बहुत पसंद है जो मम्मा बनाती है, बट यस मैं उनको कह देती हूँ मैं बहुत ही कम घी में, इतने से घी में मैं उनसे पराठा सिखवाती हूँ गाइस। यस मैं ऑयली पराठा नहीं खाती हूँ, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा ऑयल लगा के पराठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा बटर लगाते हैं, तो नो गाइस इट्स नॉट हेल्दी। अगर आपको खाना है पराठा तो गाइस आप थोड़े से घी में जस्ट सेका हुआ पराठा खाइए, एंड और भी बहुत सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं, आप बेसन आप लाइक सैंडविच खा सकते हैं, आप चिल्ला खा सकते हैं बेसन का, मूंग दाल का, सूजी का, देर आर सो मेनी वराइटीज गाइस फॉर ब्रेकफास्ट। प्लीज़ आपको जो भी अच्छा लगता है आप खाइए, बट येस लेस ऑयली, बस इतना सा आप ध्यान रखिए गाइस कि वो लेस ऑयली हो। सो ये से मैं अपना ब्रेकफास्ट इन्जॉय कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ 10-11 बजे के आसपास में आप लोगों से मिलती हूँ, टिल देन बाय। सो गाइस आज मुझे थोड़ा वर्कआउट करने में लेट हो गया बिकॉज ऑफ यू नो ना व्हाट्स द रीज़न, आपको पता है रीज़न क्या हो सकता है। तो येस अभी टाइम हो रहा है 12:30, तो अब मैं एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, एंड गाइस आई नो आलस आता है, थोड़ा बहुत लेजीनेस होती है, बट येस आपको एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने जिम वियर चेंज, आपको जिम वियर तो कैरी करने ही करने हैं, अदरवाइज आपका नॉर्मल अब गाइस आप नाइट सूट वगैरह में कभी भी मत जिम करिएगा, आपको जिम वियर ज़रूर कैरी करने हैं। सो येस मैंने अपने जिम क्लोथ्स पहन लिए, सो लेट्स स्टार्ट दी वर्कआउट। Done with my workout and now it's time for protein. Guys, आपको protein किसी भी form में लेना है, आपको liquid form में लेना है तो आप liquid form में लीजिए, आपको खाने वाली form में लेना है तो आप खाने वाली form में, like पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं, options हैं, but मैं Oziva का protein जो powder आता है मैं वो prefer करती हूँ। and guys you know what, weather इतना अच्छा हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं बैक कैमरे से आपको वेदर दिखाती हूँ। सो गाइस सी द वेदर यार, बारिश हो रही है, OMG गाइस आपको बैक साइड में थोड़ा सा गंदा गंदा सा लगेगा, गाइस बारिश हो रही है, इट्स सो प्रिटी वेदर यार, आई लव दिस वेदर यार, पता है जैसे ही ना बारिश का मौसम स्टार्ट होता है ना तो मैं पागल हो जाती हूँ, आई एम डर, इतना मज़ा आता है बारिश के मौसम में। सो गाइस दिस इज माई प्रोटीन शेक, सो गाइस आप ये देखिए, सो गाइस लेट मी इंजॉय माई प्रोटीन शेक एंड मैं अब आपको शावर लेने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस आई एम डन, मैंने शावर ले लिया है, अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं आज मम्मा ने लंच में क्या बनाया है, और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि आज लंच में क्या बना है। सो गाइस आज लंच में बना है छोले मींस चिकपीज एंड राइस, ओ माय गॉड दिस इज माय फेवरेट गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस सी। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ये भी जो आप लोग जो हेल्थ डाइट वगैरह करते हो गाइस, तो राइस आप लोग खा सकते हो, घर का जो भी खाना बनता है वो आप खा सकते हो। तो यार गाइस घर का जो भी खाना बनता है आप खा सकते हो, बट आप अवॉइड करना बस ऑयली वगैरह खाना ना हो, एंड राइस आप खा सकते हो, नो इश्यूज यार राइस खाने में, एंड चिक पीज इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी, चिक पीज राजमा जो भी घर में आपकी सब्ज़ी बनती है, मम्मा आपके लिए जो भी बनाती है गाइस वो आप खाइए, बट येस पूड़ी भटूरे इस टाइप की चीज़ें आप अवॉइड करिए। सो ये गाइस मैं अपने जब मैं डाइट करती हूँ, डाइट तो मैं नहीं करती हूँ बट येस थोड़ा सा ध्यान से खाती हूँ कि ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत जाएँ। सो येस अगर आप वर्कआउट करते हो, अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छे से ध्यान रखते हो तो गाइस आप अच्छे से खाइए खाना, क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, तो येस खाना खाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
ये नहीं कि आप एक चपाती खा रहे हैं, थोड़े से राइस खा रहे हैं, नहीं, आपको जितनी भूख है आप उतना खाइए, आप ओवर मत करिए, बट यस, जितनी आपको भूख है आप उतना खाना आराम से खा सकते हो। सो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करिए कि वर्कआउट करना है, डाइट करना है, तो हाँ डाइट मीन्स तो आपको एक चपाती खाने पड़ेगी, आपको सूप पीना पड़ेगा, आपको सिर्फ सैंडविचेस खाने पड़ेंगे। नो गाइस, घर में जो बनता है आप खाओ, सिर्फ ऑयली खाना मना है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं, फ्राइड खाना मना है, स्नैक्स मत खाइए आप, जैसे आप जंक फूड्स, नो जंक फूड्स तो आप बिल्कुल मत खाइए। यस गाइस, बट हाँ, हफ्ते में आप वीक में एक दो दिन आप चीट डे कर सकते हो, जिसमें आप कुछ भी खा सकते हो, आपका जो मन हो, पिज्ज़ा खाने का मन हो, बर्गर खाने का मन हो, सो आप इजीली खा सकते हो। बट गाइस, फिर भी आप कंट्रोल से खाओ, मतलब ये नहीं कि अगर आपने चीट डे किया तो आप पूरा दिन मैगी बर्गर पिज्ज़ा ही खा रहे हो। चीट डे में आप जैसे आपने आफ्टरनून में कुछ खा लिया, बट यस, फिर एंड देन रात में आपको नॉर्मल घर का खाना खाना है, या आपने रात में कुछ खा लिया है, तो ये सब। सो यस गाइस, अब मैं आपको मिलती हूँ आफ्टर माई लंच। सो गाइस, मैंने ना 1.5 आवर का रेस्ट ले लिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं सुबह से उठी हुई हूँ, तो 1.5 आवर का थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट देना चाहिए गाइस, क्योंकि आपने वर्कआउट भी किया था, मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। तो मैं अभी आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, और आपको बताऊँगी कि मैं इवनिंग स्नैक्स में क्या लेना प्रेफर करती हूँ। सो गाइज, मैं इवनिंग स्नैक्स में ले रही हूँ 2 eggs ले रही हूँ, दैट्स इट, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, मैं ब्रेड भी नहीं लूँगी। एंड यस, अब मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तवे पर घी स्प्रेड कर दिया है, लेट्स पुट इट दी एग्स। सो गाइस, मेरा एग रेडी हो रहा है। एंड गाइस, मैं ना, आप जब तक एग रेडी हो रहा है तब तक मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ, आप इवनिंग स्नैक्स भी कुछ भी ले सकते हैं, देर आर सो मैनी ऑप्शंस अवेलेबल। आप चना ले सकते हैं, आप चने की चाट ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, आप रोस्टेड नट्स ले सकते हैं, आप मखाने ले सकते हैं, सो आप कुछ भी गाइस, बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आप हेल्दी लीजिए। तो मेरा ऑमलेट खाने का मन था, इसलिए मैंने 2 eggs का विद योग मैं ऑमलेट खा रही हूँ। सो यस, अब मैं ऑमलेट बनाने के बाद आपसे मिलती हूँ। यस गाइस, 1 more thing, मैं ना थोड़ी सी चाय भी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेडेक हो रहा है उठने के बाद। तो वैसे मैं नॉर्मली इवनिंग में चाय प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ ओनली 1 time चाय पीती हूँ, बट यस, आज मुझे थोड़ा सा हेडेक है, तो मैं थोड़ी सी चाय पी ले रही हूँ, क्योंकि मैं कॉफ़ी पर्सन नहीं हूँ, मैं चाय पर्सन हूँ, तो मैं थोड़ी सी पीऊँगी। तो गाइस, चाय वैसे बहुत अच्छी बनाती हूँ, आई हाय अपनी तारीफ खुद ही अपने मुँह से कर रही हूँ, मगर सो गाइस, अब मैं अपना इवनिंग स्नैक्स कंप्लीट करके आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, आई एम रेडी फॉर माई इंस्टा पिक्स। सो यस, अगर आपको मेरा फुल लुक देखना हो तो प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम आईडी। सो मैं आपको मिलती हूँ अपने रात के डिनर में, कि मैं रात में डिनर में क्या लेना प्रेफर करती हूँ। टिल देन, बाय। सो गाइस, अभी टाइम हो गया है, 9 o'clock हो गया है, नाउ इट्स माई डिनर टाइम। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं डिनर में क्या खाने वाली हूँ। वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि मम्मा ने क्या बनाया डिनर में। सो यस, अब चलते हैं ऊपर, उसके बाद देखते हैं क्या बना है डिनर में। सो गाइस, दिस इज़ माई डिनर। ये जो छोले हैं ये दोपहर वाले हैं, तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़े से ले लिए थे। ये है पनीर की सब्जी, एंड ये है 3 chapati, एंड ये है प्याज का स्लाइस।
So yeah, that's it for today dinner. So guys, now I am done for today vlog. और कितने मैंने खाना खाने के बाद mango भी खाया, you know, mango का season चल रहा है यार, तो mango तो बनता है खाना. So yes guys, अब मैं रात को मतलब अब मैं सो जाऊंगी क्योंकि मुझे मॉर्निंग में उठना है. आप आफ्टर डिनर आप ग्रीन टी भी पी सकते हो आप, बट आप रात को सोते टाइम गर्म पानी वार्म वाटर ज़रूर पीजिए क्योंकि उससे आपका खाना एक अच्छे से डाइजेस्ट होता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है. सो या दैट्स इट. सो गाइस, अगर ये आपको मेरा वीडियो मेरी है मतलब मेरी डाइट मेरा वर्कआउट आपको अगर ये रूटीन मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड यस, लाइक तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा यार. सो गाइस या अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.